हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन टेस्ट करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। तो चलो हम इस वीडियो में, सबसे पहले हमें प्रोटीन का सोर्स चाहिए होता है। प्रोटीन का हमारे पास ये एग है। एग में क्या होता है, एग एल्ब्यूमिन होता है। एग वाइट लेंगे, इसमें इसको बीकर में हम उसका कोलाइड सोल्यूशन बना लेंगे। फिर हमें चाहिए होता है रीजन, क्या क्या चाहिए होते हैं। सोर्स तो मिल गया हमें, एग एल्ब्यूमिन लेंगे, एक को तोड़ देंगे और उससे हम एक का वाइट पार्ट निकाल लेंगे, दैट इज एग वाइट। तो हमें सोर्स चाहिए प्रोटीन का, सैंपल जिसे हमें प्रोटीन हो जिसमें। तो एग एल्ब्यूमिन होता है, एग है, एग के अंदर एग एल्ब्यूमिन होता है, उसका वाइट पार्ट निकाल लेंगे। एग एल्ब्यूमिन को क्या है, डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो हमारा एग एल्ब्यूमिन का कोलाइडी सोल्यूशन बन गया, वो सोर्स हो गया, उसे हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। फिर रीजेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए बायूरिन रीजेंट चाहिए होता है। बायूरिक रीजेंट क्या होता है, इसमें 10% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिक्स होता है, उसको बायूरिक रीजेंट बोलते हैं। बायूरिक रीजेंट क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 10% कॉपर सल्फेट एंड 10% NaOH सोल्यूशन। आन इसके बाद आपका होता है निनहाइड्रेट सोल्यूशन। ये देखिए निनहाइड्रेट सोल्यूशन चाहिए होता है। इसके बाद मिलॉन रीजेंट चाहिए होता है, मिलॉन रीजन चाहिए होता है। इसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 सपोर्ट चाहिए होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है। तो गए सबसे पहले हम एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए एग एल्ब्यूमिन को लेंगे, एग को तोड़ देंगे, डिस्टिल वाटर डिजॉल्व कर देंगे, कोलाइडी सोल्यूशन बन जाएगा। तो पहला टेस्ट होता है बायूरेट रीजन, बायूरेट रीजन टेस्ट बोलते हैं प्रोटीन का। बायूरेट रीजन में क्या करते हैं, प्रोटीन का सैंपल लेते हैं, फिर उसमें हम बायूरिन रीजेंट डालते हैं। बायूरिन रीजेंट के बाद डालने के बाद उसमें वायलेट कलर आता है। फिर इसके बाद है निनहाइड्रेट रीजेंट, प्रोटीन सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर इसको निनहाइड्रेट सॉल्यूशन डालेंगे, हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। कूल करने के बाद आपका ब्लू कलरेशन आता है, तो विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। फिर इसके बाद है मिलॉन्स रीजेंट, मिलॉन्स रीजेंट टेस्ट होता है प्रोटीन का। मिलॉन्स रीजेंट टेस्ट करने के लिए सैंपल लेते हैं प्रोटीन का टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें मिलॉन रीजन डालते हैं, फिर वाइट प्रेसिपिटेट आता है। वाइट प्रेसिपिटेट को फिर हीट करते हैं तो आपका रेड कलरेशन आता है, दैट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है जैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। जैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट में क्या करते हैं, प्रोटीन का सैंपल लेते हैं, फिर उसमें कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं, हीट करते हैं। अगर उसमें येलो प्रेसिपिटेट आता है विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन पे टेस्ट करने के लिए गाइस हमें क्या क्या रीजन चीज़ होते हैं, प्रोटीन के चार टेस्ट होते हैं। पहला बायूरिक रीजन टेस्ट, दूसरा निनहाइड्रिन रीजन टेस्ट, तीसरा है मिलॉन रीजन टेस्ट, चौथा है जैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। तो हमें रीजन चार रीजन चाहिए होते हैं, बायूरिक रीजन चाहिए होता है, निनहाइड्रिन रीजन चाहिए होता है और मिलॉन रीजन चाहिए होता है, मिलॉन रीजन और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है। और प्रोटीन का सोर्स चाहिए होता है हमें एग एल्ब्यूमिन या मिल्क सैंपल हो तो काम चल जाएगा। तो ये थे चार रीजन जो प्रोटीन के टेस्ट में चाहिए होते हैं। चार टेस्ट होते हैं प्रोटीन के। पहला जैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट, वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करते हैं। फिर उसका मिलॉन रीजन टेस्ट, मिलॉन रीजन चाहिए होता है उस टेस्ट करने के लिए। फिर निनहाइड्रिन रीजन चाहिए होता है, निनहाइड्रिन सोल्यूशन चाहिए उसके लिए। बायूरिक टेस्ट होता है, उसके लिए बायूरिक रीजन टेस्ट चाहिए होता है। तो पहला टेस्ट है प्रोटीन का बायूरिक रीजन टेस्ट। सैंपल प्रोटीन का लेते हैं, फिर उसमें बायूरिक रीजन डालते हैं। बायूरिक रीजन क्या होता है, उसमें 10% कॉपर सल्फेट होता है, 10% NaOH सॉल्यूशन, दोनों को मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं बायूरिक रीजन। बायूरिक रीजन डालने पर उसमें आता है वायलेट कलर से। फिर है निनहाइड्रेट रीजन, निनहाइड्रेट सॉल्यूशन प्रोटीन का सैंपल लोगे, उसमें निनहाइड्रेट सॉल्यूशन डालोगे तो आपका हीट करोगे, कूल करोगे तो आपका ब्लू कलरेशन आ गया। फिर इसके बाद मिलॉन रीजन टेस्ट है। मिलॉन रीजन में क्या करते हैं, प्रोटीन का सैंपल लेते हैं, फिर उसमें मिलॉन रीजन डालते हैं। अगर आप का उसमें आप ब्लू कलर तो वाइट कलर आता है, वाइट कलर को हीट करने के बाद रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मिलॉन रीजन टेस्ट ऑफ प्रोटीन। इसके बाद है जैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट ऑफ प्रोटीन। जैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट में क्या है, प्रोटीन का सैंपल लेते हैं, फिर उसमें क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर उसमें आयन देन हीट करते हैं, हीट करने के बाद अगर येलो प्रेसिपिटेट आता है तो वी कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो गाइस ये थी वीडियो प्रोटीन टेस्ट के लिए, कौन कौन से रीजन चाहिए होते हैं और प्रोटीन टेस्ट करने का तरीका क्या है। इसका प्रैक्टिकल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में
कवर करूँगा और उनके टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से कलर आते हैं इस टेस्ट में। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें आपको किस केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो चाहिए हैं, तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो ये था गाइस कौन कौन सी रीजन चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, हम प्रोटीन टेस्ट को कैसे करेंगे। तो ये सारे एक का सोर्स दिखाई दे रहा है, एग फिर वायोलेट रीजन दिखाई दे रहा है आपको, इन हाइब्रिड रीजन दिखाई दे रहा है, मिलन रीजन कंसनट्रेटेड अच्छा ही चाहिए होता है प्रोटीन टेस्ट करने के लिए। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।